This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX Hotline और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और स्टॉक के हवाले से खुसूसी हमारे इस प्रोग्राम में बात की जाती है, लेकिन आपको पता है कि स्टॉक मार्केट आजकल थोड़ी सी बेयरिश है, थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक मार्केट पर। मुसलसल एक महीने से ज़्यादा का जो है ड्यूरेशन हो चुका है और अभी भी हम एक प्रेशर देख रहे हैं मार्केट में, अनसर्टेनिटी मार्केट में है। और अनफॉर्चुनेट आज एक ऐसा वाकया हो गया दहशतगर्दी का लाहौर में, जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, जो पोलियो मर्दमशुमारी के हवाले से उन पर एक अटैक हुआ गया है, दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है। इस तरह की तमाम तर जो एलिमेंट्स हैं ये स्टॉक मार्केट पे स्टॉक मार्केट को मुतासर कर रहे हैं। और आपको पता है कि साथ साथ कुछ ट्रांसपेरेंसी के मामलात भी हैं SEC की जानब से, वो भी एक्टिवेट हो गए हैं, नई मैनेजमेंट आई है। तो उसके बाद भी हम जो पेशरफ देखना चाह रहे थे, जो एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन शायद कुछ वक्त दरकार है, कुछ वक्त लग रहा है। इन हाउस फाइनेंसिंग हो गया और लेवरेज प्रोडक्ट्स हो गए, वो अभी तक इम्पोज या इंट्रोड्यूस या इनिशिएट नहीं किए जा सके हैं। प्लस ऑयल प्राइसेस का भी एलिमेंट आ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट को मुतासर कर रहे हैं, और जिसकी वजह आज भी हमने देखा कि जब आज मार्केट ओपन हुई है तो 48,166 का 100 इंडेक्स का लेवल था और उस पर 78 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज हमने देखा है। देन ग्रेजुअली 12 बजे हमने देखा कि 73 पॉइंट्स का नेगेटिव चेंज देखा। सेकंड सेशन में मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है और हमने देखा कि 500 से ज़ायद पॉइंट्स, 561 नेगेटिव पॉइंट्स सेकंड सेशन में दोपहर 3 बजे हमने मॉनिटर किए। तो ये सूरत हाल आज रही है। आज फिर नेगेटिव हमें नंबर्स मिले हैं। परसेंटेज से अगर आप कैलकुलेट करें तो आज आपका इंडेक्स जो है 1.58% के मुताबिक थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। सूरत हाल की बात करेंगे 100 इंडेक्स की, 30 इंडेक्स की, ऑल शेयर इंडेक्स की, वो आपके सामने रखते हैं। 100 इंडेक्स का हमने क्लोजिंग लेवल आज देखा 47,577 पे, आज 100 इंडेक्स की मार्केट क्लोज हुई है और एक हाई लेवल क्रिएट हुआ है 48,166 का, और लो लेवल रहा जो मिनिमम रहा 47,523। और देयर इज़ अ नेगेटिव चेंज जो आज हमने रिकॉर्ड होते हुए देखा 100 इंडेक्स की कैटेगरी में, वो था 511.06। इसके बाद बात होगी 30 इंडेक्स की। 30 इंडेक्स का क्लोजिंग लेवल हमने देखा 25,202 देखा, और मैक्सिमम जो हाई नोट पे आज इंडेक्स आया 30 इंडेक्स का, वो 25,586 आया, और लो इंडेक्स रहा 25,170। और 30 इंडेक्स में भी हमने 384.18 का नेगेटिव चेंज देखा। इसके बाद बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स का जो क्लोजिंग लेवल आया वो 32,663.56 आया, और हाई नोट जनरेट हुआ, हाई लेवल जनरेट हुआ इस पर्टिकुलर इंडेक्स का 33,004.91, एंड लो इंडेक्स था जो मिनिमम गया वो 32,636.15। और ऑल शेयर्स ने भी आज नेगेटिव नंबर्स दिए हैं, जो क्लोजिंग आई है ऑल शेयर्स की वो 286.27 आई है। तीनों इंडेक्स आज आपके नेगेटिव क्लोज हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कंपनीज की, कंपनीज की कारकर्दगी आज क्या रही। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आज कैलकुलेट हुई हैं 378, बट देयर इज एडवांस इज नंबर ऑफ कंपनीज लाइक 73 कंपनीज एंड देयर इज डिक्लाइन इन 292 कंपनीज, बट देयर इज नो चेंज इन 13 कंपनीज आर स्टिल न्यूट्रल। 73 जो कंपनीज आज आपने एडवांस में देखी, ये एक सवालिया निशान है स्टॉक मार्केट के हवाले से और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। कंपनीज के बाद बात करेंगे इन्हीं कंपनीज में से उन वॉल्यूम्स की, टॉप वॉल्यूम लीडर्स की, जो आज वॉल्यूम्स के हिसाब से ट्रेडिंग में लीड हुए हैं। तो फर्स्ट वन पर आज हमने देखा है आयशा स्टील मिल है, और इसके शेयर प्राइस का जो रेट आज का है वो 24.35 पर शेयर है, और वॉल्यूम्स कितने कैलकुलेट हुए आयशा स्टील मिल के वो आपको अपडेट करेंगे। 13.22 मिलियन शेयर्स के हवाले से आयशा स्टील मिल में आज हमने काम देखा है, और रेट इसका 0.74 नेगेटिव रहा, तो जिसकी वजह से जो इसका स्टॉक का प्राइस है वो कम हो गया है। अब बात करेंगे बायको पेट्रोलियम की। बायको पेट्रोलियम आपको गुज़िश्ता रोज़, यस्टरडे, कल भी नज़र आया था टॉप वॉल्यूम लीडर्स में,
कल फर्स्ट वन पर था, सेकंड पर है, और इसके शेयर प्राइस में भी हमने जो रेट देखा वो 0.74 से नेगेटिव रहा, लेकिन जो आज का इसका शेयर प्राइस का रेट कैलकुलेट होकर क्लोज हुआ वो 22.25 पर शेयर है। वॉल्यूम से आपको बताते हैं, 12.53 मिलियन शेयर्स के हवाले से बायको पेट्रोलियम्स के वॉल्यूम्स आज रिकॉर्ड हुए हैं। एसगार्ड 9 ने थर्ड वन पर जगह बनाई है और 0.24 के हवाले से नेगेटिव रेट हमने इसका देखा, और 12.80 पर शेयर के हवाले से एसगार्ड 9 का शेयर प्राइस का आज का रेट है, और 12.41 के हवाले से मिलियन शेयर्स इसी में आज ट्रेड हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बैंक ऑफ पंजाब ने आज फोर्थ वन पर जगह बनाई है, और कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बैंक ऑफ पंजाब में देखा था कि उसकी जो शेयर प्राइस है उसमें कमी वाकई हुई। मैक्सिमम अगर बात की जाए बैंक ऑफ पंजाब के जो पिछले महीने का हम देखें ड्यूरेशन, तो 18 पर गया है ये स्टॉक। आज के रेट इसके हैं 13.59 पर शेयर बैंक ऑफ पंजाब के, और वॉल्यूम्स 11.52 मिलियन शेयर्स के हवाले से आज इस पार्टिकुलर स्टॉक में हमने काम देखा है। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड को हमने अगर दो महीने में ऑब्जर्व किया तो 55 पे इसका रेट गया था, और आज ये जो है इसके रेट में 2 रुपये की कमी देखी है, और 48.62 पर शेयर के हवाले से टीआरजी पाकिस्तान का स्टॉक इस रेट के साथ आज ट्रेड हुआ है, और 9.78 मिलियन शेयर्स के हवाले से ये स्टॉक आज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड रहा। टॉप 5 वॉल्यूम्स आपके सामने रख दे हैं, बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लोर करके बता दिए हैं। अब बात होगी टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स में वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी जो शेयर प्राइस होती है उसमें हम इजाफा देखते हैं। कॉलगेट पामोलिव ₹100 इसमें इजाफा हुआ है स्टॉक में। यूनिलीवर फूड में ₹31 का इजाफा। मिलर ट्रैक्टर्स में ₹17 का इजाफा। बाइफो इंडस्ट्री में ₹13 का इजाफा। एंड एबॉट लेबॉर्ट्री में ₹9 का इजाफा। ये वो स्टॉक्स हैं आज इनके जो है उसमें काम देखने में आया है। और एक बात ये भी है जो मैंने प्राइसेस इंक्रीज होने की बात आपके सामने रखी है, इतने कोई ज़्यादा इंक्रीज स्टॉक में प्राइस नहीं हुए हैं। वजूहात और एलिमेंट्स मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रो के बाद ही आपके सामने कंक्लूड करके रख दिए थे। अब बात होगी टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी जो शेयर प्राइस होती है उसमें हम डिक्रीज देखते हैं, कमी देखते हैं। तो विद पाकिस्तान लॉस्ट ₹68, हिनोपाक मोटर लॉस्ट ₹50, खैबर टुबाको लॉस्ट ₹49, शील कॉपरेशन लॉस्ट ₹28, एंड सनोफी एवेंटिस लॉस्ट ₹26। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिनकी जो शेयर प्राइस है उसमें हमने कमी देखी। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक, बैक टू द पॉइंट कि क्यों आपकी स्टॉक मार्केट इतनी बेयरिश हो रही है। 3 से 4 एलिमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं। सबसे जो अहम इशू है वो है पनामा का रिजल्ट, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पोजीशंस लेते हुए घबरा रखे हैं, क्योंकि अगरचे उन्होंने बड़ी तादाद में स्टॉक्स को जो है वो बाय कर लिया, या बड़ी तादाद में जो बल्क क्वांटिटी में स्टॉक पे वो उन्होंने बिजनेस कर लिया, तो रिटर्न्स आया उनके वो नहीं हो सकते अगरचे पनामा का रिजल्ट अफेक्ट कर गया आपकी इकोनॉमी को, आपकी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को। अब बात यह है कि स्टॉक मार्केट जिस तरीके से बुलिश हुई थी गुज़िश्ता 2 महीने पहले, मैक्सिमम 51 पर आपके स्टॉक का लेवल आया था, और 50 पर एक रोज़ आपकी स्टॉक मार्केट क्लोज हुई थी। उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने ख़ुद को 48-49 पर सस्टेन किया, और आज आपकी स्टॉक मार्केट 47 पर जो है वो क्लोज हुई है। इसी हवाले से हमने कांटेक्ट किया है मीर मोहम्मद अली खान साहब से, जो कि चेयरमैन हैं माइंड एंड मार्केट के। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन। मीर साहब, 47 पे आज मार्केट क्लोज हुई है, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? देखिए, मैं तो रोहेल आपसे पहले दिन से कहे जा रहा हूं कि जब तक ये दो चीजें हैं, एक तो पनामा का इफेक्ट है, ये एंग्जाइटी बिल्ड होती जा रही है, वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए हैं, जिससे कहो जिससे पूछो वो कहता है हम वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। इतना देर से वर्डिक्ट आना ये सही नहीं है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तो फॉरन रिएक्शन दे देती है, मगर ओवरऑल लार्ज इन्वेस्टर्स FDI सब इंतजार कर रहे हैं, देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक, मेरे ख्याल में अब तो हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मार्केट ने पनामा को भी डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 4000 पॉइंट तो हम नीचे आ ही चुके हैं अब इस मार्केट के हाई से। सो दैट इज अबाउट 8% 9% करेक्शन तो 51 से हो चुकी है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्या 600-700 पॉइंट और नीचे ब्लीड कर जाएगी। हम झटका नहीं देख रहे, अब तो ब्लीडिंग देख रहे हैं ना,
कि रोज 500 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाती है फिर 600 पॉइंट, मेरे ख्याल में तो हम अब उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पैनामा का जो भी वर्डिक्ट आए इट इज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाकर कमीशन भी बना दिया गया तो मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छी न्यूज ही होगी मार्केट के लिए। देखिए ना, इसलिए कि जो 600-700 कंपनीज, 550-600 कंपनीज लिस्टेड हैं कराची स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनकी अर्निंग्स तो बेहतर से बेहतर होती जा रही है हर क्वार्टर। ये तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये तो प्राइस जो है वो डेली फ्लक्चुएट हो रही है, उनकी अर्निंग्स तो फ्लक्चुएट नहीं हो रही। जो कंपनी आप उठा के देखिए उसकी अर्निंग बम्पर अर्निंग्स है पिछले क्वार्टर के मुताबिक। आप एनर्जी की कंपनीज ले लें, कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज ले लें, सीमेंट की कंपनीज ले लें, सिवाय टेक्सटाइल के, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज ले लें, हर कंपनी की अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं। तो ये मार्केट तो सिर्फ उन कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक हद तक ये नीचे आ चुकी है, 200 रुपए वाला स्टॉक 160 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि अर्निंग्स अफेक्ट नहीं हुई है कंपनीज की। तो अगर वो 200 पे अच्छा लग रहा था अर्निंग्स के लिहाज से फ्यूचर के लिए, तो वो तो 160 पे तो हसीन लगना चाहिए। जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल ये है कि मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूं कि आई थिंक मार्केट हैज ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड पैनामा डिसीजन। ठीक है, ये पहली दफा ये बात कह ठीक है मीर साहब। बात ये है कि आज भी एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा वाकया हुआ दहशतगर्दी का मार्केट को, ठीक है आपने, हम सब इसको एसोसिएट करते हैं पैनामा के रिजल्ट से, ये एक टेम्परी इफेक्ट होगा, यस और नो के तहत हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सर अगर बरकरार नहीं रहा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें चलती रहीं, तो पैनामा के साथ साथ जो ये लॉ एंड ऑर्डर का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आएगा, क्या हम सस्टेन कर पाएंगे इंडेक्स को रिटेन करने में और नॉट? हमारी मार्केट ने कभी लॉ एंड ऑर्डर का इफेक्ट लिया है आज तक रोहिल? सर 11,000, 12,000, 17,000 जब मार्केट थी हमारी जी, दिन और रात बम फटते थे इस मुल्क के अंदर। हमारी मार्केट तो ये, आई एम वेरी सैड टू से दिस, मैं ये उदासी से कहता हूँ कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में फाइनेंशियल मार्केट्स तो वैसे ही बेहिस होती है पूरी दुनिया में, मगर हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स भी इस हद तक बेहोश हो चुकी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का तो इस पे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो वो तो सर लोकल्स की बात हो गई ना मीर साहब, फॉरेनर्स के एक गलत तासुर जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हर वक्त स्क्रीन पर इनके यहाँ जो है ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, धमाका हो रहा है, ये 12,000 से इंडेक्स 40,000 पे लोकल और फॉरेनर्स मिलकर लाए हैं, उस वक्त भी बम फट रहे थे, फॉरेनर्स आ रहे थे, ये कोई फैक्ट्री लगाने नहीं आ रहे हैं वो लोग कि वो ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो हम ऑफिस के। मीर साहब फॉरेनर्स में सिर्फ चाइनीज नहीं आते हैं, फॉरेनर्स में दूसरे फॉरेनर्स भी आते हैं। मैं चाइनीज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो फैक्ट्री लगाने नहीं आ रहे हैं। ठीक, देखिए एफडीआई कम हो सकता है, एफआईपीआई कम, बहुत कम ऐसा होगा कि कम होगा, क्योंकि ये लिक्विड कैश होता है, वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए यहाँ की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, पेरिस में बैठ के, लंदन में बैठ के, और वो निकाल भी सकता है पैसा, ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, एफडीआई इफेक्ट ज्यादा होता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। ठीक, अच्छा मीर साहब FDI... अब बात यह है कि वॉल्यूम्स हमारे कम हो गए हैं, जैसा कि आज आपने भी देखा, कल भी, गुज़िश्ता रोज भी देखा, पूरे वीक हमने एक वॉल्यूम पे प्रेशर देखा है, क्यों नहीं लेवरेज प्रोडक्ट अनाउंस किए जा रहे? इन हाउस फाइनेंसिंग पे एतराज था तो उसके अल्टरनेट में क्यों अब तक डिले हो रहा है, प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ रहे ताकि वॉल्यूम्स बेहतर हो सके? सर इसका जवाब तो SECP दे सकती है। देखिए मैं कोई ब्रोकरेज हाउस सर तबसरा तो दे सकते हैं मीर साहब आप, बिल्कुल तबसरा, मैं तबसरा दे रहा हूँ, प्रोडक्ट आनी चाहिए, बहुत ही जल्दी आनी चाहिए। जिस ब्रोकरेज हाउस के हेड से या ओनर से मैं बात करता हूँ वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि हम, हमारे हाथ बंद गए हैं, हम काम नहीं कर सकते। देखिए जिंदगी दुनिया में हर जगह ये बात रोहिल याद रखिएगा कि ब्रोकरेज हाउसेज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हमेशा एक दूसरे से बैर होता है। बिल्कुल, रेगुलेटर चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ट्रांसपेरेंसी आए, ब्रोकरेज हाउसेज चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके, ताकि जैसे स्कूलिंग की बात करें प्रिंसिपल और स्टूडेंट का रहता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। तो इस वक्त
मगर देखिए ना, स्टूडेंट और प्रिंसिपल पढ़ के बच्चे निकलते हैं ना स्कूल से, बिल्कुल बेहतरीन बन के निकलते हैं, यही है इंशाल्लाह। इसकी भी प्रोडक्ट आ जाएगी, आ जानी चाहिए, वो एक पूरा इदारा है, कोई मजाक थोड़ी है। सही बात है, लेकिन मीर साहब बात यह है, डिले हो रहा है अगले महीने, फिर बजट भी है, MSCI में दाखिल भी हो जाएंगे, अगर वॉल्यूम्स हमारे बेहतर नहीं रहे तो हम MSCI से बेदखल भी तो हो सकते हैं, जैसा माजी में भी हुआ। जाने से पहले तो बेदखल नहीं हो सकते मेरे ख्याल में, बहुत ही स्लिम चांसेस है, अल्लाह ना करे कि ऐसे हो, मगर मुझ ये एक अच्छी साइन नहीं होगी MSCI के अंदर जाते हुए। सही बात है, क्योंकि उनकी सब में पहली रिक्वायरमेंट जो थी मॉर्गन स्टैनली की, कि उसमें 5 रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट वॉल्यूम भी थी। देखिए ना, कोई सिर्फ इन्वेस्ट करने थोड़ी आएगा, सही बात है, लिक्विडिटी भी चाहिए निकलते वक्त। तो अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हुआ तो खुदा ना करे हमारा रिव्यू डिले ना हो जाए, मैं ये कहता हूँ। ठीक है मीर साहब, अब बात यह है कि सेक्टर्स भी महदूद हैं, उन सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं वो भी रजिस्टर तो बहुत ज़्यादा है, आपने शुरू में ही टेक्सटाइल को एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि आपने टेक्सटाइल को पता है आपको हालात कैसे हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं 4 से 5 सेक्टर्स की कंपनीज पे, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीर साहब। अगर जैसे ऑयल पर भी कोई प्रेशर आता है तो हमारे पास एक दूसरा मुतबादल या ऑल्टरनेट ऐसा सेक्टर हो जो हमारी इस कमी को पूरा कर सके, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सेक्टर को तो छोड़िए, सब में पहले पिछले 4 साल से मैं कहे जा रहा हूं कि इस इंडेक्स को रीडिजाइन किया जाए, इस इंडेक्स को किसी तरीके से रीएडजस्ट किया जाए। किस तरीके से सर? देखिए ना, सब हमारा वेटेज ऑयल का इतना ज्यादा है, ऑयल और ऑयल मार्केटिंग कंपनी 38% कुछ बन जाता है, बिल्कुल दुनिया में कहीं पर इतना वेटेज होता ही नहीं है किसी इंडेक्स में एक सेक्टर का। और ऑयल जिस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी बन चुकी है पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर, अगर ऑयल की प्राइस 10% नीचे जाती है तो हमारा इंडेक्स फॉरन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सब में पहले तो हमें रीएडजस्ट करना पड़ेगा हमारे पास ऑयल और फाइनेंस। सब में ज्यादा ऑयल जो का इंडेक्स हैवी है वो लंदन में है, फुटसी में, वो सिर्फ 11% है। ठीक, हमारा दुनिया का हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ऑयल का हमारे इंडेक्स में। सब में पहले हमें फ्री फ्लोट को बढ़ाना पड़ेगा, हमें और क्या कहते हैं इंडेक्स को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, चीजें बहुत स्ट्रांग डिसीजन मांगती हैं, मगर अगर ब्रोकरेज हाउसेस को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम किया जाए तो मेरे ख्याल में हर ब्रोकरेज हाउस इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एग्री करेगा कि ये मार्केट की बेहतरी के लिए है। सही बात है, सीरियस नोट पे सबकी मुशावरत देखी जाए, उस पे अमल भी तो किया जाए मीर साहब, बात को सिर्फ हवा में ना उड़ाया जाए ना, बात ये है सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब मुश्किलात जब पैदा होती है, जब एक तरफ या ब्रोकरेज हाउसेज अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं या SECP अपना डिसीजन खुद ले लेती है, ठीक है, ये डिसीजन वो हैं। हमारी बहुत ही छोटी मार्केट है, बहुत ही इन्फेंसी स्टेजेस की मार्केट है, अगर इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के तरीके से रेगुलेट किया जाएगा तो खुदा ना करे ये चल ही नहीं सकती। सर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह की पॉलिसीज देख रहे हैं? गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी, पूरे शहर में पेट्रोल नायाब हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनका कहना है कि जो सेल टैक्स है वो 16% कर दिया गया, इसको कम किया जाए। मीर साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हैं, इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट 16%? देखिए बस मैं एक आपसे ये बात कहूँ, ऑयल टैंकर्स वालों का बिगर प्रॉब्लम ये है कि वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, वो टैंकर्स वालों को भी तो पैसे नहीं मिल रहे। इस वक्त 15 ships फॉटको पे खड़े हुए हैं फौजी ऑयल टर्मिनल के ऊपर, 250 से 300 ट्रक्स वैसे खड़े हुए हैं, 8 लाख टन फर्नेस ऑयल हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो कि 41 डेज की सप्लाई है, हमें सिर्फ 21 या 22 डेज की सप्लाई चाहिए होती है। ये 550-600 बिलियन रुपीज का, ये 700 बिलियन रुपीज का जब ये सर्कुलर डेट नहीं पे ऑफ होगा तो इसका अफेक्ट निचले तरीन लेवल पर ऑयल टैंकर्स वालों के पास आएगा,
उनके टैंकर्स भर भरे पड़े हैं, कोई ऑयल खरीद नहीं रहा है क्योंकि उनको पेमेंट मिल नहीं रही है। मीर साहब, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं? इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की प्राइस हम कम देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जिस रेट पे ऑयल आपको बेच रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, और तमाम तर होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, वो भी कोई प्राइसेस चेंज नहीं करते, पीछे से क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि पॉलिसीज ऐसी क्रिएट की जाए जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो? ये तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। मतलब ये बात तो मेरे ख्याल में तो ये सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम जो है ये वो सिर्फ एक ही चीज पे डाल दे। आप मिनिस्टर ऑफ एनर्जी से बात करें, वो कहेगा जी जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनकी गलती है, उनसे बात करें तो कहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी गलती है। सब ने म्यूजिकल चेयर बनाया हुआ इस चीज को, मुल्क का कोई सोच नहीं रहा है। मैं आपसे ऑन द रेकॉर्ड आज कह रहा हूं कि अगर ये ऑयल क्राइसिस सर्कुलर डेट का खत्म नहीं हुआ, फॉरगेट अबाउट द स्टॉक मार्केट, खुदा ना करे मैं तो पूरी इकोनॉमी को ठप होते देख रहा हूं अगर ये सही नहीं किया गया तो। मीर साहब, बात ये है, अभी इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइस का रेट है वो कम है, अगर चे रेट बढ़ता है तो क्या करेंगे ये लोग? फिर अभी तो 16% पे ये सेल टैक्स को रो रहे हैं एसोसिएशन वाले, ऑयल टैंकर वाले, तो फिर तो टैक्स ज्यादा इम्पोज किया जाएगा, फिर कहाँ खड़े होंगे ये लोग? बेचारे रोड पे आ जाएंगे भाई। मैं पूरी इकोनॉमी की बात में क्यों कर रहा हूँ? देखिए ना, होता यह है कि ऑयल प्राइस नीचे जाए तो उतना नहीं कम करते जितना कम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी ऑयल प्राइस तकरीबन 32% हायर है रीजन से। वो ख्वाजा आसिफ साहब आएंगे, वो गलत फिगर्स देंगे कि जिस बांग्लादेश में इतना है उसमें इतना है, हमारी भी उस लिहाज से। मीर साहब, बांग्लादेश से क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? मतलब फेडरल मिनिस्टर कैबिनेट में आकर गलत फिगर्स देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो ऐसे घुमा फिरा के देते हैं, टैक्टिकली यूज करते हैं वर्ड्स को। वो देखिए, वो इतना घुमा फिरा के कहते हैं कि एक आम आदमी जो होता है वो समझ लेता है। सही कह रहे हैं आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऑयल प्राइसेस को ऑयल प्राइसेस से कंपेयर करें इंटरनेशनल। बांग्लादेश से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मतलब ऑयल की प्राइस अगर $52 पर बैरल है तो आप उस चीज से कंपेयर करें। इन्फ्लेशन की बात करेंगे जी, वहां के लिहाज से हमारी प्राइस अभी भी सस्ती है। मीर साहब, इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है, बजट आ रहा है, आप मुझे ये बताइए कि बजट में क्या इन्होंने सोचा है, क्या स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स को कंट्रोल किया जा सके? मॉनिटरी पॉलिसी जो ये 4 से 5 दफा स्टेबल रही है, इस पर भी मैं आपका फीडबैक लूंगा सर। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी तो आप सबसे पहले बात करें तो वो कहेंगे कि जी लोएस्ट लेवल पे क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है, विच इज ट्रू, 42 या 43 इयर्स की लोएस्ट लेवल के ऊपर है, मगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में लाना पड़ेगा। कंट्रोलिंग मीर साहब, कंट्रोलिंग किस तरीके से होगी? इलेक्शन भी तो आ रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स कम करें, ऑस्टेरिटी की तरफ जाएं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट। मगर फिर वही बात है ना, व्हाट केम फर्स्ट, चिकन और द एग? आप कहेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो फिर वो दूसरा कहेगा जी हमारे पास $2 बिलियन के ऑर्डर है मगर बिजली नहीं है, तो हम कहां से उसको करके दें? हमारे पास इतना पोटेंशियल है सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो बेचारे 11-11 घंटे जनरेटर पे चलाकर तो एक्सपोर्ट नहीं पूरी कर सकते। तो सर, वो सीरियस नोट पर आकर बैठते तो हैं, उनको अभी 180 बिलियन का पैकेज दिया तो है टेक्सटाइल वालों को, और क्या चाहिए उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर? 180 बिलियन का किस चीज का पैकेज दिया है भाई? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है ना सर, वो प्राइम मिनिस्टर ने। आप असल टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट के हवाले से बिजली तो दे दे सर, वो तो सब देखें मीर साहब, बात वो है ना, इसी रिसोर्सेस में रहकर हमने काम करना है। बिजली के लिए अब चाइना आ गया है ना, हर मर्ज की दवा, तो चाइनीज आकर जो है के इलेक्ट्रिक की अभी उस पर भी जो है वो पाइपलाइन में है मामलात, स्टॉक में भी चाइना आ गया है, तो मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक सेकंड रुके। तो फिर उस वक्त तक जब तक हमारे पास बिजली का मामला सही नहीं होता, हम दूसरे डेवलपमेंट बजट्स को कट करके अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करें, ठीक है? हो सकता है ना, ये तो मीसा तो हो सकता है ना। चले, बिजली का मामला है, गैस भी तो वाफर मिकदार में चाहिए, मशीनरी के लिए जो टेक्सटाइल में लगी हुई है उनमें गैस की जरूरत होती है, तो क्यों आप जो है पाक ईरान चाइना के साथ गैस मंसूबाबंदी की बात करते हैं, क्यों नहीं करते उस पे? इसलिए नहीं करते कि अमेरिका आपको चीखने लगता है,
جس لمحے آپ ایران کی طرف ٹلٹ ہونے جاتے ہیں بات ساری ہے امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ بزنس نہ کریں. اگر ہمارے لیڈرز کے اندر اتنا مورل کریج ہوتا کہ وہ پاکستان کو پہلے کہتے اور سعودی اور ایران کو ساتھ سائڈ پہ رکھتے جو ہمیں بہتر ڈیل دے رہا ہوتا ہم اس لحاظ سے ان سے ڈیل کرتے. اگر ایران اچھی ڈیل دے رہا ہے بسم اللہ ایران سے گیس لے لیجئے, کیوں نہیں لیتے؟ صرف اس لیے کہ امریکہ کا بیک لیش نہ ہو, وہاں سے پریشر نہ آئے, ایسا نہ ہو کہ ہم پاور سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میر محمد صاحب آپ کا. آپ نے بہتر طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ پر نظر ثانی کی ہے, ریکمنڈیشن کی ہے اور مارکیٹ کو ایکسپلور کیا ہے کہ کون سے ایلیمنٹ اور فیکٹر مارکیٹ کو متاثر کر رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, لیٹس ٹیک اے بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو ہیپننگ ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. خبر آپ کو یہ بھی دینی ہے کہ کل ایک آئل ٹینکر ایسوسی ایشن والوں کا اسٹرائک تھی اور کراچی شہر کی صورتحال آپ نے دیکھی تھی, اس کے بعد ان کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام تر منسٹریز سے اور تمام تر لوگوں سے جو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن اب خبر یہ ہے کہ آئل سیکٹر کے بعد بینکنگ سیکٹر بھی متاثر یا یہ کہہ لیے متحرک ہو چکا ہے, ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, اور انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہے اور ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ جو ٹیکس ریٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے 30% آف 2017 to 2018, اور یہ پروپوزل دیا جائے کہ اب جو اپ کمنگ بجٹ ہوگا, انہوں نے بجٹ کے متعلق کی ہے کہ بجٹ میں جو بھی آپ کریں گے تو بینکنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے, بینکنگ سیکٹر کی جانب سے دے ڈیمانڈ کے دے شوڈ ریڈیوس دا ٹیکس ریٹ آف 30%. تو اس پہ دیکھیں کیا گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری اور جو فائنینس منسٹر ہو گئے, کامرس کے منسٹر ہو گئے, اسحاق ڈار ہو گئے اور خرم دستگیر صاحب ہو گئے, اس پہ کتنا نظر ثانی کریں گے اور کیا شکل بنا کر, کیا مسودہ بنا کر, اسٹرکچر بنا کر بینکنگ سیکٹر کے اس ریٹ پر بات کی جائے گی. لیکن خبر یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر بھی تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ پالیسیز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے جو پروفٹ ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہا. برانچ جو ہے وہ بھی برانچز بھی بے شک زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن ایک طرف یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ الیکٹرانک کامرس کے متعلق اگر بات کی جائے تو برانچ لیس بینکنگ کا کانسیپٹ بھی آپ کو پتا ہوگا, اور آن لائن بینکنگ اور فون بینکنگ پر کسٹمرز اور کنزیومر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑے سے جو ہے معاملات ڈسٹرب ہو رکھے ہیں. نگیٹو پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہ پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کے جو والیومس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور جو والیومس کم ہوئے ہیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات کریں گے. اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سعد رفیع صاحب نے اور جن کا تعلق ہے نیکسٹ کیپٹل سے. سر ویلکم ٹو دا پروگرام پی ایس ایکس ہاٹ لائن. سعد صاحب, آج پھر مارکیٹ جو ہے تھوڑی سی نیگیٹو رہی ہے, والیومز اچھے نہیں تھے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ریگارڈنگ مارکیٹ سر؟ دیکھیں مارکیٹ میں جو والیوم شرنک ہے یا مارکیٹ جو ڈیکلائن ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن تو ابھی یہی ہے کہ جی پیپل آر ویٹنگ فار دی پاناما ڈیسیجن. تو پاناما کا ڈیسیجن ہے اس پہ مارکیٹ جو ہے وہ ابھی ہولڈ کر رہی ہے. اگر وہ اس ڈیسیجن کے اوپر جتنے ڈیلے ہوتا جائے گا اتنے والیومز آپ کے شرنک ہوتے رہیں گے اور مارکیٹ کی میں ایکٹیویٹی آپ کو کم نظر آئے گی. ساتھ سب کیا لگتا ہے آپ کو, بزنس ہلکے کیا کہہ رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے, کب تک آ جائے گا پاناما کا ریزلٹ؟ دیکھیں ابھی تک دیکھیں ہر بندے کے دماغ میں اسپیکولیشن یہی ہے کہ مڈ آف اپریل میں آنا چاہیے, بٹ ابھی دیکھیں جیسے لاسٹ ٹائم پچھلے ویک کی بات ہو رہی تھی کہ منڈے کو ریزلٹ فرائیڈے کو آئے گا, وہ بھی ڈیلے ہو گیا, فرائیڈے کو بھی مڈ آف اپریل کی بات ہو رہی ہے. تو آئی تھنک دیکھیں یہ اس پہ کیا آتا ہے ابھی آگے نیوز میں پتہ چلے گا. صاحب بات پتہ ہے کیا, جو ہیں اپنے بزنس کمیونٹی والے ہیں یہ سپریم کورٹ سے زیادہ جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, یہ پہلے ہی ریزلٹ اناؤنس کر کے بتا دیتے ہیں, پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ فرائیڈے کو آ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک نیگیٹو جو ہے ہم پریشر دیکھتے ہیں. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ سر؟ دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نیوز آ جاتی ہے پہلے, یہ سب اسپیکولیٹو نیوز ہے. آپ کو ورڈکٹ جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت سپریم کورٹ کیا ورڈکٹ دے گا, اگینسٹ دے گا, فیور میں دے گا. بٹ جو آپ کو مارکیٹ سینٹیمنٹ سے نظر آتا ہے وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ شاید مے بی آپ کا جو ورڈکٹ ہے تھوڑا نیگیٹو ہو, اس کی وجہ سے مارکیٹ میں آپ کو سیلنگ پریشر نظر آ رہا ہے. اگر دیکھیں یہ چیزیں ود ان لائن ہو جائیں گی جب کوئی ڈیسیجن کا ٹائم قریب ہوگا, ابھی تک تو بڑی ویک ٹائم لائن ہے, کوئی ٹائم لائن کا کوئی ڈیسیجن بھی پتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ
बात ये है, अगर हाउ लॉन्ग टू हाउ स्ट्रेच वाली कहावत एक है, अगर ये पैनामा का रिजल्ट ये जून जुलाई अगस्त सितंबर में भी जाता है तो क्या इन्वेस्टर्स पोजीशन नहीं लेंगे? उससे कबल मई में तो हम MSCI में भी दाखिल हो रहे हैं, वॉल्यूम्स हमारे अगर इसी तरह से रहे, आज 47 पर इंडेक्स क्लोज हुआ है सर, 48 और 49 तक स्टॉक का जो इंडेक्स है इसने बहुत स्मार्टली अपने आप को इसमें सस्टेनेबल रखा। आज 47 पे हमने इंडेक्स को क्लोज होते हुए देखा है और आज के रोज हमने 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी देख ली। आप क्या समझते हैं सर, चीजों को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने होंगे इदारों को? देखिए मेरे ख्याल से तो आपकी जो बात है उसमें ये है कि अगर और डिले हो जाता है और जुलाई अगस्त की बात जो आप कह रहे हैं कि और डिले होकर निकल जाती है चीज, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्टिविटी इस तरह से नहीं, ये भी प्रेडिक्शन है ना, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, मार्च इज ओवर नाउ, फरवरी इज देयर, तो अभी तो ये एक प्रेडिक्शन अगर ये भी लगा लिया तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएंगे डे बाय डे। नहीं देखिए वॉल्यूम श्रिंक होंगे मगर जब ये बजट के टाइम क्रिएट आगे करीब आएगा ना, उस वक्त आपके जो है वो वॉल्यूम दोबारा जनरेट होना शुरू होंगे और बजट के ऊपर जो है वो चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। देखिए इसके लिए पॉलिसी क्या बनाई जा सकती है, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट रेडी नहीं है इस वक्त, मार्केट को समझते हैं कि जी इस वक्त मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो नो सर, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर रेडी, बट उनको प्रॉब्लम पैनामा की है सर, ट्रेडर्स परेशान हैं, उनका डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो खुद पूछना चाह रहे हैं, परेशान है कि सर क्या होगा, हम किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में अब काम करें, काम नहीं हो पा रहा है और माल खरीदने को कोई तैयार नहीं है, वो अपना माल कम रेट पर बेचने को तैयार हो गए सर। देखिए अगर आप वैल्यू ट्रेडर हैं या वैल्यू स्टॉक लेते हैं या वैल्यू आप खरीदते हैं तो आप उसमें वेट एंड होल्ड भी करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं कि जो कंपनी जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं या वैल्यू स्टॉक है वो आज भी उन रेटों पे हैं जिन रेटों पे आज से 2 महीने पहले थे, या उनसे उनका जो वैल्यू डिक्लाइन है वो शायद 2% 1% 2% होगा। देखिए ये तो सिचुएशन की बात है, अगर आप पनामा के ऊपर होल्ड करके बैठे हैं कहना पनामा के डिसीजन के ऊपर मार्केट चलनी है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं ना, आपको वैल्यू नजर आती है इन्वेस्टर को। पनामा का फैसला प्राइम मिनिस्टर के मुस्तकबिल का फैसला होगा, प्राइम मिनिस्टर के मुस्तकबिल का फैसला आपके स्टॉक एक्सचेंज और आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान को एसोसिएट करेगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, खदशा ये है सर। देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, आप मुझे इस बात पॉइंट पे बात कर लेते ना कि वो प्राइम मिनिस्टर का केस है, प्राइम मिनिस्टर हट जाता है फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन यही है ना जी, एक सिचुएशन ये हट जाता है, उस सिचुएशन अंदर क्या होगा, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सेम पार्टी का, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व नहीं हो रही, आपकी असेंबली डिसॉल्व नहीं हो रही, आपका कोई सॉरी टू से साथ साथ हमारे कंट्री में आपको क्या लगता है ये हो रहा है साहब, हमारे कंट्री में आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात अभी हो चुके हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं अभी स्ट्रांग नहीं है और इदारे स्ट्रांग हो चुके हैं, या इदारे स्ट्रांग नहीं है इंडिविजुअल स्ट्रांग हो चुके हैं, किस केस पर हैं हम खड़े पहले तो डिसाइड करें सर? मैं आपकी इस बात को मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इदारे जो है वो अपनी जितने इस वक्त जो पोजिशन है इन स्टॉक की इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो पोजिशन है ना वो बहुत लिक्विड है, सही है, अनटिलस ये देखिए होल्ड स्ट्रैटेजी उस वक्त होती है जब आपके लिक्विड होते हैं, अगर आप लिक्विड होकर आपके पास पैसे पड़े हुए तो जो भी डिसीजन आता है उस पर आप रिएक्ट करेंगे, सही है, आपके पास पावर होगी, परचेजिंग पावर होगी तो ही आप परचेज करने जाएंगे ना, अगर आप लेके बैठे रहते सारी पोजिशन या जो आपने देख रहे हैं जो सेलिंग नजर आ रही है आपको, इसमें वॉल्यूम क्या है, इसमें वॉल्यूम जो एक्सचेंज का वॉल्यूम होता था उसका 40% है, सही है, यानी 60% तो काम ही नहीं हो रहा लोग कर रहे, सही है, यानी 60% इन्वेस्टर काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि पैनिक सेलिंग तो कोई नहीं है, वरना तो अगर पैनिक सेलिंग होती तो हर बंदा बेचता, तो ये वॉल्यूम तो आपको यहाँ से 3 गुना नजर आने चाहिए थे, सही है, इसका मतलब है कि 90% आपकी जो 60% जो इन्वेस्टर है वो इस होल्ड सिचुएशन में वो माल अपनी पोजिशन जो है वो पैनिक में सेल नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोई पोजीशन क्लियर कट नजर आए, सामने समझ आए तो पोजीशन होल्ड लेकिन साथ साथ या उसको लिया जाए या बेचा उनकी जाए। तरफ से एक सवाल ये वो भी कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर चे रिजल्ट आया नहीं आया इंडेक्स अगर ये नहीं रहा तो जाहिर सी बात है हर आदमी जो है वो मैक्सिमम जो अगर नुकसान कह लें वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ चाहे हमारे व्यूवर हों, उनकी कोशिश ये होती है कारोबार कोई भी हो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो लॉस कम से कम हो, व्हाट डू यू से सर? देखिए लॉस कम से कम होने की सिचुएशन तो ये है ना कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, अगर आप महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उन लोगों के लिए कोई प्लेस है इसमें इस मार्केट में जहां आपका जो होराइजन है वो इतना शॉर्ट टर्म हो कि आप एक दिन की पोजिशन या 4 दिन की पोजिशन। देखिए आज मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट जो डिक्लाइन आया 47,400-500 के लेवल 600 के लेवल्स पे आई है जी, ये जो लेवल्स है ना ये आज 511 पॉइंट नेगेटिव है, आप पिछले दिनों से देख रहे थे कि 48,000
और 49,000 के करीब करीब ट्रेड करी थी, सही है। आज की मार्केट में 47,500 पॉइंट्स पे जो मार्केट है, इसमें हो सकता है कल जो है वो 350 पॉइंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो जाए, फिर आप यही देख रहे होंगे 48,000 पे और रिव्यू ले रहे होंगे कि 43,000 से ऊपर खड़ी हुई है। देखिए ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, आपकी बात वो बात बिल्कुल ठीक है कि कब डिसीजन आएगा, ये कोई इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसका कोई टाइमलाइन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं दी। मार्केट पार्टिसिपेंट तो स्पेकुलेट करेंगे कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, एक हफ्ते बाद आ रहा है, चार हफ्ते बाद आ रहा है, ये स्पेकुलेशन में ना चले जब कोई डिसीजन। अच्छा साथ साथ बात ये जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है उसमें भी कैटेगरीज हैं, स्पेकुलेटर जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, ये रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये डेट अनाउंस कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स निकले उसमें गेम्बलिंग हो रही है, ऐसे मौकों पर स्पेकुलेशन ज्यादा क्रिएट होती है। मैं फिर एससीबी की बात करूंगा, एससीबी भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे जो इस सर्कल में, जो सोशल सर्कल हो गए, जो ब्लॉक्स हो गए, उसमें रिगार्डिंग पनामा की डेट अनाउंस कर रहे हैं। अलमुख्तसर साथ साथ मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम्स बेहतर कैसे हो सकते हैं, पीएसएस की इंतजामिया को चाहिए कब जल्द से जल्द जो है वो जो लेवरेज प्रोडक्ट से उसको अनाउंस कर दे, कुछ ऐसी खबर सुनाइए कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स है उसको जो है वो बेहतर हो जाए। देखिए लेवरेज प्रोडक्ट की खबर तो सुना चुके हैं, उसका डिसीजन आ चुका है, उसमें अभी टेक्निकलिटीज ये हैं कि उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, है? तो जब जब आपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है और आपने स्पेकुलेशन रोकनी है तो मेरे लिहाज से जो ठीक है। बहुत शुक्रिया साद रफी साहब आपका, आपके इस तजिए का, आप रिकमेंड कर रहे हैं, आप भी अपना एक तबसरा दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो सूरत हाल है वो खासा जो है सेंसिटिव हो गई है और तमाम तर इंस्टीट्यूट के जो इदारे हैं और तमाम तर जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए और जो जहाँ पर लैकिंग है उस पर काम करना चाहिए। आज इतना ही, अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।